आईफोन और एप्पल वॉच और ये भी मेरे पापा के एयरबड्स प्रो है और इनका जो ये वायरलेस चार्जिंग केस के साथ आते हैं जो इनकी जो प्राइस है पाकिस्तान में, तो गाइस ये एप्पल के प्रोडक्ट है और ये तो हो नहीं सकता कि सस्ते हैं। और गाइस एप्पल वाले ने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों ने इसकी प्राइस रखी है तो ज़्यादा, तो उन लोगों ने प्राइस रखी है ज़्यादा। उन लोगों ने इसकी जो प्राइस है रखी है वो है 55,000, लेकिन अभी मार्केट में 40,000 रुपीज़ के हैं और ये इस प्राइस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन खैर गाइस इनके क्लोन भी आ चुके हैं, आप वहाँ इनके क्लोन भी बाई कर सकते हैं। खैर गाइस ये रहे हमारे एप्पल एयरबड्स प्रो और एप्पल के हर प्रोडक्ट के गाइस हमारे पास डब्बा मौजूद नहीं। खैर गाइस डब्बा मौजूद नहीं, लेकिन गाइस इसके एसेसरीज हमारे पास मौजूद हैं कि डब्बा होता है उसके अंदर गाइस कुछ एप्पल स्टिकर्स और ये एक गाइस हमारे पास ये एक लाइट ये गज टाइप सी टू लाइटनिंग केबल कनेक्टर होता है। और गज जिन लोगों के पास आईफोन 11 प्रो मैक्स है तो गज सिर्फ वही उन्हीं लोगों के गज ये अडेप्टर से होगा, वरना फिर गज ये इसके लिए हमें अलग से एक गज एप्पल का ये वाला अडेप्टर बाय करना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिन लोगों के पास आईफोन 11 प्रो मैक्स है तो वही सिर्फ बाय करें क्योंकि गज ये उनके अडेप्टर के अंदर लगेगा और हमारे पास तो है, इसलिए हम लोगों ने बाय किए हुए हैं। और ये ऐसे करके प्लग इन हो जाएगा और ये वायरलेस चार्जिंग केस के साथ आते हैं। और यहाँ से तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे तो गाइस इनका डब्बा भी मोटा कर दिया गया और अंदर से भी गाइस ये बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए गए हैं। और गाइस ये मेरे हाथ में गाइस इतना छोटा सा लग रहा है, गाइस इतना क्यूट लग रहा है, सुपर क्यूट लग रहा है गाइस। और यहाँ पे ईयर टिप्स भी डब्बे में हमें देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे पीछे सेंसर्स हैं और यहाँ पे माइक्रोफोन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग अपने यहाँ पे आईफोन को ले आते हैं ताकि उसी आईफोन से हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ से सबसे पहले गाइस मैं इसका जो कोड है वो खोल लेता हूँ। यहाँ से मैंने कोड खोल लिया है और यहाँ से आप भी चुके हैं। ये केस की जो चार्जिंग है गाइस वो है जी 85 और गाइस ये एयरपोर्ट की चार्जिंग 100 है। तो हम लोग सबसे पहले गाइस यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं इसको अपने इसके साथ। गाइस ये पता नहीं कैसे बंद होगा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। खैर ये ब्लूटूथ ऑन है, एयरपोर्ट्स प्रो कनेक्टेड, ऑलरेडी कनेक्टेड है पुराने एयरपोर्ट्स प्रो। और यहाँ से गाइस हम लोग इसको अपने कान में लगाते हैं। तो गाइस कान में लगाते ही गाइस एक आवाज़ आई है ट्यून करके, वो एप्पल एयरपोर्ट प्रो कनेक्टेड भी है, दौरान एयरपोर्ट प्रो कनेक्टेड है, वहाँ पे आ भी गैस आए। और खैर हम लोग इसको साइड पे करते हैं और गाइस मैं यहाँ से होम पे चल जाता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि गाइस कैसे बैग जाना है ये तो। ओके गाइस ये ऑन हो चुके हैं फाइनली। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल ऑडियो ऑन, मुझे खैर उसका नहीं पता। और ये बंद कर दिए और इसको ऑन कर दिए। नॉइज कैंसिलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी नॉइज कैंसिलाइजेशन, और नॉइज कैंसिलेशन पे गाइस मैंने ऑन किया तो गाइस मुझे किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आ रही। जहाँ तक कि गाइस यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ मुझे उस चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे अपनी आवाज़ खुद की नहीं आ रही। ऑफ पे करते तो नॉर्मल हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी पे करते हैं ना गाइस तो गाइस ट्रांसपेरेंसी पे बोल रहा है कि गाइस जैसे ही मैं बोल रहा हूँ एयरपोर्ट सुन रहे हैं और वही आवाज़ मेरे कान में बोल रहे हैं, नहीं सुन के वही आवाज़ मेरे कान में बोल रहे हैं। और ऑफ पे करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है यहाँ से। और हम लोग यहाँ से होम पे चल जाते हैं और ये गाइस स्पेशल ऑडियो ऑन, इसका मुझे मतलब नहीं पता, लिखिए गाइस नॉइज़ कैंसिलेशन बेस्ट है और यही वो चीज़ है जो इन लोगों ने एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर ऐड की है। और गाइस नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और गाइस ये गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं मुझे एप्पल एयरबड्स प्रो। और इनके जो कान में जो गाइस है ना गाइस ये छोटे लगते हैं बहुत ज़्यादा गाइस पिछले एयरबड्स 3 से, अब चेंज कर दिए गए हैं गाइस जरा इनका डिज़ाइन भी, जैसे आईफोन एक्स से आईफोन 11 का भी डिज़ाइन चेंज किया गया और और एप्पल वॉच सीरीज 3 से भी एप्पल वॉच सीरीज 4 का भी डिज़ाइन चेंज किया गया और इसका भी फाइनली डिज़ाइन चेंज किया गया है। और गाइस हम लोग यहां से बैक चल जाते हैं और गाइस इनकी जो आवाज़ है गाइस वो भी बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि अगर मैं लगा लूँ गाइस यहाँ पे गाइस अपना चैनल लगा लेता हूँ तो गाइस यहाँ पर गाइस मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो गाइस टाइपिंग की जो आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है। खैर गाइस हम लोग गाइज यहाँ से सर्च कर रहे हैं अभी, यहाँ पे गाइज हम लोग टैप टू रिट्रैक करते हैं तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे अपना चैनल लिख दिया और यहाँ से गाइज हम लोग गाइज देखते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से अपनी आवाज़ करता हूँ
ओके गाइस, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है गाइस, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। और गाइस आप लोगों ने देखा, और गाइस बहुत ज्यादा आवाज आती है। खैर गाइस, इसको इस फोन को मैं यहाँ से साइड साइड पर कर देता हूँ यहाँ से। और गाइस ये फोन बंद हो गया। और गाइस यहाँ से अब गाइस आप देख सकते हैं एयरपोड्स प्रो को मैं यहाँ से अपने कानों से बाहर भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। और गाइज अब खैर गाइज आवाज़ में गाइज थोड़ी सी गाइज आवाज़ आनी लग गई है बाहर की, पहले तो आ ही नहीं रही थी। खैर गाइज इसके अंदर ईयर टिप्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। और गाइज इसकी जो एक और जो मैंने चीज़ जो नोटिस की है ना गाइज, वो है जी कि गाइज ना जब मैं गाइज मैं ना वीडियो देख रहा था, मैंने लगाए थे कल, मैंने एकदम से उतारा तो गाइज वीडियो भी पॉज हो गई। ये भी इनका नया फीचर है कि हम लोग देख रहे हैं एकदम से हम उतारेंगे तो फिर वीडियो खुद ब खुद पॉज हो जाएगी। अभी मैंने आपको फीचर दिखाया नहीं, दिखाना भूल गया। खैर गाइज ये थी आज की वीडियो, और ये थे एप्पल के एप्पल का आखिरी प्रोडक्ट। और गाइस बस ये थी आज की वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो और अपने नेक्स्ट चैनल पे। और गाइस बस ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और बस ये थी आज की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हम लोगों ने जल्दी इंशाल्लाह हिट करने 500 सब्सक्राइबर। तो गाइस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी आप लोगों ने गाइस ज़रूर दबाना है। और गाइस बस ये थी आज की वीडियो, और और गाइस बेल आइकन जरूर दबाना है, और 500 सब्सक्राइबर जल्दी हिट करने हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड लव, हाफिज़।